तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप कीज़ कैफ़े को किसी भी सैमसंग डिवाइस में कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं। जैसे मैंने इसे एंड्रॉयड 10 और वन यूआई वर्जन 2.0 में इंस्टॉल किया हुआ है, लेकिन आप जब इंस्टॉल करते हैं तो मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे जैसे कि मैंने यहाँ पे इंस्टॉल किया तो ये ओपन हो जा रहा है, लेकिन जब आप इंस्टॉल करके ओपन करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कांट यूज़ कीज़ कैफ़े अपडेट सैमसंग कीबोर्ड। तो यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ सैमसंग कीबोर्ड का वर्जन जो कि है वर्जन 3.5.45.2, लेकिन जो कीज़ कैफ़े है वो वर्जन 5 से ऊपर वाले सैमसंग कीबोर्ड में यूज होता है, इसलिए यहाँ पे बोला जा रहा है अपडेट सैमसंग कीबोर्ड। तो आप कैसे किसी भी सैमसंग के डिवाइस में इंस्टॉल कर सकते हैं, जैसे मैंने शुरू में बताया कि मेरे डिवाइस में इंस्टॉल हो चुका है, तो आप कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो को पूरा देखिएगा और लाइक कर दीजिएगा इस वीडियो को। लाइक टारगेट हम लोग रखते हैं 50 लाइक, 50 लाइक आप लोग कंप्लीट कर दीजिएगा, और चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है पीयूष और आप देख रहे हैं टेक दोस्त पीयूष। चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो आपको सैमसंग कीबोर्ड जो वर्जन 5 है उसे डाउनलोड करना होगा। तो यहाँ पे आप नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करने के बाद आपको इसे इंस्टॉल कर लेना है। यह वन यूआई 2.1 का कीबोर्ड है, तो यहाँ पे देख सकते हैं ये इंस्टॉलिंग हो रहा है। इंस्टॉल होने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं आपको डन पे क्लिक करना है, और आपको कीज़ कैफ़े को भी डाउनलोड कर लेना है और इंस्टॉल कर लेना है। दोनों एप्लीकेशंस का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, तो जाइए डाउनलोड कीजिए और इंस्टॉल कीजिए अपने डिवाइस में। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये इंस्टॉल हो चुका है, उसके बाद डन पे क्लिक करना है और कीज़ कैफ़े को ऑन कर देना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आपको सेटिंग्स पे क्लिक करना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको कुछ ऑप्शंस देखने को मिलेंगे, तो आपको यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ। सैमसंग कीबोर्ड पे आपको क्लिक कर देना है, जैसे यहाँ पे देख सकते हैं तो कीज़ कैफ़े ऑन हो जाएगा। यहाँ मेक योर ऑन कीबोर्ड पे क्लिक करना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं सिंपल कीबोर्ड, तो यहाँ पे आप कस्टमाइज कर सकते हैं। यहाँ पे इस पर क्लिक करना है और एडिट पे क्लिक कर देना है प्लस पे क्लिक करके। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं काफ़ी सारे ऑप्शंस आपको दिए हुए हैं, आप कुछ ऑप्शंस को ऐड कर सकते हैं। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे मैंने इस ऑप्शन को ऐड कर दिया। यहाँ से मैं इसे रिमूव भी कर सकता हूँ। यहाँ पे देख सकते हैं काफ़ी सारे इमोजीज आपको दिए हुए हैं, इन इमोजीज को आप ऐड कर सकते हैं अपने कीबोर्ड में। जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे आप जो लेटर्स दिए हुए हैं उसे भी रिमूव ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं काफ़ी सारे इमोजीज हैं, यहाँ पे मैं आपको ऐड करके दिखाता हूँ। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं मैंने ये इमोजी ऐड कर दिया, और भी काफ़ी सारे आप इमोजीज ऐड कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे मैं यहाँ पे काफ़ी सारे आपको देख सकते हैं लेटर्स भी देखने को मिल जाते हैं। जैसे यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे गुड, यहाँ पे मैं नीचे में यहाँ पे ले आता हूँ इसे, तो यहाँ पे देख सकते हैं ये एडजस्ट हो चुका है। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं कुछ इस तरह से मैंने कीबोर्ड को डिज़ाइन किया है, और भी आप अच्छी तरीके से डिज़ाइन कर सकते हैं अपने कीबोर्ड को, उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हैं काफ़ी सारे आपको और भी मिल जाते हैं जो कीज़ हैं। यहाँ पे देख सकते हैं रोमन अंक में 7 आ रहा है, और भी काफ़ी सारे आपको लेटर्स देखने को मिल जाते हैं जिसे आप ऐड कर सकते हैं। उसके बाद आपको सेव पे क्लिक करना है, नेम देना है, तो यहाँ पे मैं इसे नेम दे देता हूँ, माई लिख देता हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हैं, उसके बाद यहाँ पे सेव पे क्लिक, उसके बाद यहाँ पे आपको सिलेक्ट कर लेना है, ये ऑटोमेटिक भी सिलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे देख सकते हैं ये इमोजी आ चुका है जो कि कीबोर्ड में है। तो यहाँ पे देख सकते हैं जो मैंने ऐड किया है, जो जो फीचर्स वो ऐड हो चुका है, और ये काफ़ी परफेक्ट वर्क कर रहा है। और भी आपको कुछ फीचर्स देखने को मिल जाते हैं कीबोर्ड में ही, तो उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। जैसे मैं यहाँ पे देख सकते हैं आपको क्लिक करना है प्लस में, फिर एडिट पे क्लिक कर देना है, तो आप यहाँ पे इसे भी एडिट कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं तो आपको काफ़ी सारे ऑप्शंस देखने को मिल जाते हैं। तो आप जैसे मैंने पहले इसे एडिट किया, आप उसी तरह से इसे भी एडिट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे मैं इसे एडिट कर देता हूँ, कुछ इमोजीज को ऐड कर देता हूँ, कुछ लेटर्स को ऐड कर देता हूँ, और यहाँ से आप रिमूव भी कर सकते हैं, यानी आप पूरी तरीके से कस्टमाइज कर सकते हैं अपने कीबोर्ड को।
पूरी अच्छी तरीके से। उसके बाद आपको डन पे क्लिक करना है और यहाँ पे नेम देना है, तो यहाँ पे जैसे यहाँ पे आपको सेव कर देना है नेम दे के। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं ये इमोजीज ऐड हो चुके हैं और काफ़ी परफेक्ट वर्क कर रहे हैं, और आप इसे किसी भी वन यूआई के डिवाइस में इंस्टॉल कर सकते हैं, चाहे आपके पास कोई भी डिवाइस हो, आपके पास चाहे एंड्रॉयड 10 में रन कर रहा हो आपका डिवाइस, चाहे एंड्रॉयड 5 में रन कर रहा हो। लेकिन आपको दो एप्लीकेशंस डाउनलोड करना होगा, एक तो सैमसंग का लेटेस्ट कीबोर्ड एप्लीकेशन और एक है कीज कैफे। तो दोनों एप्लीकेशंस का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, जाइए डाउनलोड कीजिए और इंस्टॉल कीजिए अपने डिवाइस में और यूज कीजिए लेटेस्ट फीचर्स को। तो यही था आज की इस वीडियो में, उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई होगी वीडियो कर दीजिएगा लाइक, चैनल पर नया है तो चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।